मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पबजी गेम खेलने से एक मां ने अपने 16 साल के बेटे को मना किया तो उसने मां की गोली मारकर हत्या कर दी। मां की लाश को घर में 3 दिन तक इसने छिपा के रखा और दोस्तों के साथ ये घर में पार्टी भी करता रहा। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ PGI इलाके के यमुनापुरम का है, जहाँ जानकारी के मुताबिक नवीन सिंह सेना में आसनसोल में तैनात है और इनकी 40 वर्षीय बीवी साधना सिंह अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ यमुनापुरम में रहते हैं। बताया जा रहा है कि साधना सिंह ने अपने 16 साल के बेटे को पबजी गेम खेलने से मना किया तो गुस्से में आकर इस नाबालिग लड़के ने अपने पिता के लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर कर दिया अपने माँ पर, और गोली की आवाज़ सुनकर जब इसकी छोटी बहन वहाँ पहुँची तो इसने उसे भी डराया धमकाया और किसी को इसकी जानकारी ना हो इसलिए माँ साधना की लाश को घर के एक कमरे में ले जाकर रख दिया। हर रोज़ की तरह ही अपना काम भी करता रहा, यहाँ तक कि इसने अपने दोस्तों के साथ इसी घर में पार्टी भी की। मगर 3 दिन बाद जब लाश से बदबू आने लगी और छिपाना मुश्किल हो गया तो इसकी जानकारी उसकी 10 साल की छोटी बहन ने फोन कर अपने पिता को दे दी और ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने बताया है कि 16 साल के नाबालिग लड़के को अपनी मां के हत्या के मामले में हिरासत में ले लिया गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग लड़का है 16 साल, जिसकी उम्र 10 में पढ़ता है। इसने ये पबजी का एडिक्ट था, पबजी एक गेम है जिसका ये एडिक्ट था। इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी। सैटरडे रात को इनकी माँ के पास 10,000 रुपये थे जो कि मिसप्लेस हो गए थे और इनकी माँ को लगा कि इसने मिसप्लेस किया है, जिस कारण से इसने इसको इसको अपने बेटे को मारा था। और इससे छुप दो करके इसने संडे सुबह लगभग 3 बजे के आसपास, जहाँ ये इसकी माँ और ये बेटा और इसकी बहन सो रहे थे, वहाँ पर अपने फादर की पिस्टल से इसने एक गोली मारी, सर के ऊपर गोली मारी और जिससे इंस्टेंट इनकी इसकी मदर की डेथ हो गई। उसके बाद अगले 2 दिन तक संडे मंडे ये डेड बॉडी वहीं थी। ये लगातार लोगों से ये कहता रहा कि मदर जो है वो चाचा जी के यहाँ गई हुई है क्योंकि दादी की तबीयत खराब है। जो भी आता था उसे यही कहता था। एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है, बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में, उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ चले, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।